और नहीं कोई इस दुनिया में। मैंने अपने शीशों को काट काट
बलशाली इस धनुष को नहीं उठा पाए तो हम किस खेत की मूली है। रावण मियां बन रही बच्चा, मैं इस धनुष को बनाया चूतावा। घटना से कहा मरा कुछ कठिन शरत रखते तो आनंद आता। जैसे श्री राम धनुष पर प्रेम चर्चा चढ़ाते हैं वैसे ही धनुष टूट जाता है और धनुष के टूटते सारी मिथिला खुश हो जाती है और रावण जी की विवाह सीता जी से हो जाती है। विवाह के बाद लाजर दशरथ ने सबसे प्रॉमिस करके श्री राम पर लाजर से करने का फैसला किया। मंथला के भड़काने पर महारानी
कहते कहते महाराज दशरथ इस दुनिया से चले गए। श्री राम पंचवटी में जाते हैं, वहाँ लक्ष्मण एक सुंदर सी कुटिया बना देते हैं। तभी सुपर्णखा की नजर श्री राम पर पड़ती है और वेश बदल कर चली जाती है। हे सुंदर पुरुष, तुम कौन हो और इस सुनसान घर में क्या कर रहे हो? कुमार राम 14 वर्षों के इस वन में रहने आया हूँ। हे सुंदर पुरुष, क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? अरे नहीं नहीं देवी, मैं तो विवाहित हूँ। ये मेरी पत्नी सीता, तुम मैंने अरुण लक्ष्मण से पूछ लो। हे लक्ष्मण, क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? अरे नहीं नहीं, तुम तो एक राजकुमारी हो और मैं राम का दास, मैं तुमसे कैसे विवाह करूंगा? अगर तुमने मुझसे विवाह नहीं किया तो मैं सीता का वध कर दूंगी। झूठ मारे तेरे इतनी हिम्मत, रुक अबे सबक सिखाता हूँ। नकार का बदला लेने के है तू नकार अपने भाई रावण पाठ दापोची हम विश्व बचिता हम जासूस है हम जासूस है हम लक्ष्मण, तुम सीते के साथ रहना जब तक मैं लौट के नहीं आता। मैं नहीं, 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 नहीं।
कर रहा हूँ
उतनी बार ये जुड़ी जा रहा है। श्री राम, ये मानवीय शक्ति से वरदान प्राप्त हुआ है। आप इसे मानना चाहते तो इसकी नाभि में तीर चलाइए। उनके आगमन पर घी के दिए जलाकर उनका स्वागत कर